सामाजिक वानिकी प्रभाग के मुताबिक आदमखोर बाघिन ने उत्तर दिशा की ओर से बिजनौर के संबंध में कदम रखा था। कयास लगाए जा रहे थे कि बाघिन रैनी या अफजलगढ़ के जंगलों में कुछ दिनों तक डेरा डालने के बाद पलायन कर जाएगी, लेकिन उसने बिजनौर में तो जैसे कहर बरपा दिया। सर, दो चार दिन पहले हमारे गांव में ही एक बंदे को मार दिया है जंगल में। वो डंगर चुगाने के लिए गया था, उधर भी मार दिया, तो इसका कुछ भी वो नहीं हुआ, मतलब सुविधा नहीं मिली उनको कुछ भी। आपको क्या लगता है कि जो फॉरेस्ट की टीम सर, ये फॉरेस्ट वाले मारने नहीं दे रहे बाघिन को? इस तरह से सर बताते हैं, वन विभाग वाले ये नहीं चाहते कि हमसे बाघिन को पकड़ लें, बाघिन के किस तरीके से हम कब्जे में करें। वो तो जनता को शांति दिलाने के लिए राइफल गले में डालते हैं, कभी इधर घूमते हैं कभी उधर घूमते हैं, और वो चाहते नहीं कि बाघिन पकड़ी जाए। गांव वालों के मन को बहलाने के लिए जो है दो चार टीमें बुला रखी हैं, वो कभी इधर भेजते हैं उनको, कभी उधर भेजते हैं, बस फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं अपनी। आदमखोर की दहशत को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने को कहा और साथ ही सुरक्षा के इंतजाम करने के अलावा एहतियात बरतने की सलाह दी। प्रशासन के आला अधिकारियों ने कहा कि लोग अकेले खेतों में न जाएं और तीन चार दिनों तक गन्ने की कटाई भी बंद कर दें। रात में अकेले अपने घरों से न निकलें और आदमखोर को इलाके से दूर रखने के लिए कनस्तर बजाएं और शोर शराबा करें, जिससे बाघ कुछ दिनों में जंगल में पहुंच जाए। इसके साथ ही बाघ के पदचिन्ह या मूवमेंट होने पर खबर करने के लिए मोबाइल नंबर भी जारी किए गए हैं। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 10 इंसानों का शिकार अब तक आदमखोर बाघिन कर चुकी है और अब अगले शिकार की तलाश में वो बिजनौर के आसपास के जंगलों और गांवों की खाक छान रही है। गांव वाले मुस्तैद हैं और तलाश कर रहे हैं आदमखोर को, जिससे कि जल्द आतंक का खात्मा किया जा सके। जंगली जानवरों का आतंक जब कहीं भी जब कभी भी मचता है तो इलाके में हड़कंप मच जाता है। पिछले 1.5 महीनों में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में बाघिन 10 लोगों को अपना शिकार बना चुके। बाघिन के आतंक से हिला हुआ है बिजनौर और डरे हुए हैं इलाके के लोग। डर का मुख्य कारण है बाघिन। अब तक 10 लोगों को निशाना बना चुकी है ये बाघिन। प्रशासन तो अब तक कुंभकर्ण के नींद में है, लेकिन ये आदमखोर बाघिन पिछले 1.5 महीने से आतंक फैला रखी है। सबसे पहले 7 दिसंबर को मुरादाबाद में एक लड़की को बाघिन ने शिकार बनाया, इलाके में हड़कंप मच गई। इसके ठीक अगले ही दिन यानी 8 दिसंबर को खेत में काम कर रही एक महिला को बाघिन ने शिकार बना लिया। ये कहानी है दरियापुर की। लोगों में खौफ बढ़ता गया। इसके बाद 29 दिसंबर को जनपद संभल के मिठनपुरा मौजा गांव में 20 साल के लड़के को शिकार बना लिया बाघिन ने। जनपद संभल के ही जसरत नगला गांव में आदमखोर बाघिन को लोगों ने देख लिया। इलाके में हड़कंप मच गया, लोगों ने घर से निकलना तक छोड़ दिया। ये 8 जनवरी की बात है। 10 जनवरी को बिजनौर में शिव कुमार नामक युवक को बाघिन ने शिकार बना लिया। 19 जनवरी को कालागढ़ रेंज में फिर से महिला को शिकार बना लिया बाघिन ने। इलाके में फिर से दहशत फैल गई। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन बारापुर रेंज में बाघिन ने देवेंद्र सिंह नामक युवक को शिकार बना लिया। उसके बाद लोग डर से घर से निकलना तक छोड़ दिए। साहूवाला रेंज में 7 फरवरी को हमला हुआ लाल सिंह नामक युवक पर। बाघिन का ये 9वां शिकार था। पता नहीं बाघिन कब किसको कैसे और कहां पर शिकार बना ले। प्रशासन अब तक खामोश है, लेकिन इलाके के लोग अभी भी डरे और सहमे हैं।
बाघिन के आतंक का यह कोई पहला मामला नहीं है जब बाघिन ने जंगलों में शिकार को छोड़कर इंसानों को अपना निवाला बनाया हो। ऐसी घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं जब बाघ या फिर बाघिन ने इंसानों को अपना शिकार बनाया। बाघों ने बेरहमी से शिकार किया और फिर मारकर छोड़ भी दिया। आंकड़ों पर यदि हम गौर करें तो पिछले एक महीने में आदमखोर बाघ और बाघिनों ने 4 राज्यों में 17 लोगों को अपना शिकार बनाया है। इनमें से 10 शिकार सिर्फ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में किए गए। विशेषज्ञों की बातों पर यदि गौर करें तो जंगल के इस राजा को जंगल की आबो हवा ही रास आती है। वो कभी इंसानी आबादी का रुख नहीं करता, लेकिन जब इंसानी दखलंदाजी जंगलों में जरूरत से ज्यादा हो जाती है और बाघों को अपने इलाके पर खतरा महसूस होता है, उस वक्त बाघ या बाघिन इंसानों से टक्कर लेने में गुरेज नहीं करते हैं। इंसानों का शिकार उनकी फितरत नहीं होती, लेकिन जब उनको अपनी जिंदगी का खतरा महसूस होता है तो वे इंसान पर हमला कर उसको मार डालते हैं। वो जैसे घास लेने के लिए खेत में गए, वहां से वापस आ रहे थे, उन्होंने देखा कि बाघिन जो थी उनके बच्चे के ऊपर हमला कर रही थी, और जैसे उसने उन दोनों के डर के मारे चीख निकली, वो चिल्लाई वहां पे जो आने जाने वाले लोग थे रास्ते पे, उन्होंने उसको जोर से मतलब आवाज करते हुए उसको खदेड़ा तो बाघिन गन्ने के खेत में भाग गई। दुनिया भर के बाघों की बड़ी आबादी का बसेरा हिंदुस्तान में है। पहले ये करीब 80,000 थे, लेकिन अब इनकी संख्या सिर्फ 1600 तक सिमट कर रह गई है। पहले शिकार ने इनकी आबादी को रसातल में पहुंचाया, अब इनके शिकारगाह सिमटते जा रहे हैं। यही वजह है अपने इलाके में इंसानी दखलंदाजी बाघों को पसंद नहीं है और इंसानों और बाघों में लगातार संघर्ष की खबरें आ रही है। एक बार यदि बाघ या बाघिन को मुंह को इंसान का खून लग जाए तो वो लगातार इंसानी शिकार की तलाश में घूमता रहता है। आदमखोर बाघ की दहशत फिलहाल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही जगहों पर है, लेकिन कुछ समय पहले तक इसको पकड़ने की कवायद की जा रही थी। इसको मारने को लेकर संशय अभी भी बरकरार है। वैसे तो बाघों के शिकार पर सख्त प्रतिबंध है, लेकिन यदि वो इंसानी आबादी के लिए खतरनाक हो जाए तो उसको मारने की अनुमति दी जाती है। तमाम कोशिशों के बावजूद बाघिन इंसानों का शिकार तो कर रही है, लेकिन शिकारियों की नजर से वो अभी कोसों दूर है या उसने दूरी बनाए रखी है। और ऑपरेशन आदमखोर में फिलहाल के लिए इतना ही। समाचार प्लस में खबरों का सिलसिला लगातार जारी। Finite possibilities at the business capital by Aadhar Group with high-class business suites, retail space and villas. Aadhar Group. देखिए चुनावी धमकड़ अलीगढ़ से।